हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेट 76 जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले दीज आर माई लिंक्स ऑन द डिफरेंट सोशल मीडिया और बाकी इन सब के लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। PDF वगैरह जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाती है, बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो देखते हैं जी आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द हंग्री टाइड। हंग्री टाइड का जो ऑथर है बुक का कौन है जी, ये कौन है, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष, डेट इज ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या बनेगा इसका राइट आंसर, अमिताभ घोष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है द ओल्डेस्ट रॉकेट आर्किटेक्चर जो है वो कहाँ पे है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ओल्डेस्ट रॉक आर्किटेक्चर जो है हमारा वो कौन सा है। तो दूसरे क्वेश्चन में बात करता है कि ये जो है आपकी बराबर जो केव्स हैं, बराबर केव्स, ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट रॉक आर्किटेक्चर है, ये कहाँ पे है जी, बिहार में है, क्लियर। और ये किसके किसके टाइम पे बनी हुई है जी, ये जो अशोका का ग्रैंडसन है दशरथ और अशोका के टाइम पे ये बनी हुई है। और ये जो है ये किसको दी गई थी, आजीविका सेक्ट को। आजीविका सेक्ट जो है ये किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था इट्स मुगालिप पुत्र तीस ने, ठीक है, ये उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये वही है उपागुप्ता जिसे आप कहते हैं, जिसने अशोका को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था, क्लियर। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपकी बराबर केव्स हैं, ये चार केव्स हैं यहाँ पे, वो चार केव्स कौन सी हैं, इट्स लोमास ऋषि केव, इट्स लोमास ऋषि केव्स, क्लियर। एक लोमास है, एक सुधामा केव है, सुधामा केव, करण चौपार है, करण चौपार है, क्लियर। सो करण चौपार है एंड लास्ट है विश्वा झोपड़ी, विश्वा झोपड़ी केव। तो दीज फोर केव्स आर इन द बराबर केव्स, क्लियर। और ये जो है चार केव से मिलके बना हुआ है जी बराबर केव्स, ये कहाँ पे है, बिहार में। और बिहार वही जगह है जहाँ पे बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति मिली थी, बोधगया में, बोध गया बिहार में इनलाइटनमेंट मिली थी, क्लियर। ये आपको याद रखना है, आंसर क्या बना जी इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है, व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होता है जो आपके बैक्टीरियाज की ग्रोथ को जो है खत्म करता है, क्लियर, बैक्टीरियल ग्रोथ को होने नहीं देता। लाइक फॉर एग्जांपल डेटोल वगैरह जो होते हैं जैसे एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह को खत्म करते हैं, क्लियर। एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी मेडिसिन है, डेट इज एजिथ्रोमाइसिन, सी ऑप्शन। एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी एंटीबायोटिक है, क्लियर। और बाकी यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे पहले लिखा हुआ है मेटमॉर्फिन, ये तो मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज के लिए है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है रेंटिडिन, ठीक है। सो ये होती है स्टमक एसिड के लिए, स्टमक एसिड को प्रिवेंट करने के लिए। सी तो हमारा आंसर ही हो गया। डी जो है ये है नसेड, आइबुप्रोफेन क्या है, नसेड, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो आपकी इन्फ्लामेशन के तौर पे, इन्फ्लामेशन के टाइम पे दी जाती है, फीवर वगैरह में भी दी जाती है, इन्फ्लामेशन में भी दी जाती है, क्लियर। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट टैमरिंडिस इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, टैमरिंडिस इंडिका जो है वो साइंटिफिक नेम किसका है, इमली का, क्लियर, इमली का, डेट इज सी ऑप्शन, टैमरिंड, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे नीम लिखा हुआ है, नीम क्या है, एजाडिरेक्टा इंडिका, एजाडिरेक्टा इंडिका, क्लियर। और उसके बाद लिखा हुआ है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल क्या होता है जी, अनानास कोमोसस, अनानास कोमोसस, ये है आपका बी ऑप्शन में। उसके बाद लिखा हुआ है तैमरिंड इमली, वो तो हो ही गया हमारा। फोर्थ है चीकू, इस मनिकारा जपोटा जो है इसका साइंटिफिक नेम है, मनिकारा जपोटा, क्लियर। ये जो है चीकू का साइंटिफिक नेम है, सपोडिला और सपोटा भी इनको वर्ड यूज कर लिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट लगाइए जी, यूकैरियोटिक सेल में आपके आरएनए जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, हम लोग हैं, यूकैरियोटिक मतलब हम लोग, जहाँ पे आपके जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है आप न्यूक्लियस है और पूरे के पूरे न्यूक्लियेटेड सेल हैं और सारी जो बॉडीज़ हैं जितने भी ऑर्गेनाइज हैं वो आपकी कवर्ड हैं, क्लियर। और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बॉडीज़ भी होती हैं और प्लस न्यूक्लियस भी होता है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, जहाँ पर आपका
मैक्सिमम क्या पढ़ा होगा, डीएनए, क्योंकि हमारे प्रोसेस क्या चलता है यूकैरियोटिक सेल में, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है आपका प्रोटीन, क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है, क्लियर। ये आपको चीज पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहां पे बनेगा जी, ये बनता है न्यूक्लियस में, क्लियर। सो दैट मींस आपका आंसर क्या बना, डी ऑप्शन। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा कंट्रोल रूम भी होता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, क्लियर। और यहां पे देखिए, जहां पे ऑप्शन में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है, और ये जो है आपका एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप एनर्जी करेंसी सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, और प्लस ये यहाँ पे ही आपकी सेल जो है वो सांस लेता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है आपका, जहाँ से स्पिंडल फॉर्मेशन आपकी देखने को मिलती है, स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पे ज्वाइन होते हैं केंद्र में, क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है राइबोसोम, राइबोसोम में भी आरएनए बनते हैं, सबसे ज़्यादा आरएनए राइबोसोम में बनते हैं, और इसको राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्लियर। लेकिन जो यूकैरियोटिक हैं उनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे आपके सारे के सारे। न्यूक्लियस के अंदर एक चीज होती है जिसे आप न्यूक्लियोलस कहते हैं, एक्चुअली यहां पे बनता है, क्लियर, न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, न्यूक्लियस, क्लियर। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से मेल्टिंग पॉइंट बताइए जी, सबसे कम किसका है। अगेन याद करने वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको जितने भी पुराने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि गैशियस का जितना भी चीज़ें होती हैं आपकी, वो सारी की सारी किसके लिए जरूरी होती हैं, आपके जितना भी गैसेस होती हैं वहाँ पे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको याद ही करना पड़ेगा, आंसर इज फ्लोरीन, आंसर इज फ्लोरीन। और फ्लोरीन जो है आपके दांतों के लिए भी चाहिए होता है, डेंटल, ठीक है, दांतों के साथ भी इनका लिंक करता है, क्लियर। फ्लोरोसिस जिसे आप कहते हैं, दांत पीले से पड़ने लग जाते हैं, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, ALU कंप्यूटर में एक टर्म यूज होती है आपका, प्रोसेसिंग यूनिट में, प्रोसेसिंग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट में एक टर्म यूज होती है ALU, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहां पे आपके सारे के सारे अर्थमेटिक जो होते हैं, जितने भी कैलकुलेशन वगैरह होती हैं यहां पे होती हैं, दैट मींस सी ऑप्शन, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, तीर्थंकर जो हैं, 24 तीर्थंकर हैं, क्लियर, 24 तीर्थंकर हैं, इनमें से 24 तीर्थंकर कहाँ पे हैं, वो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन। जैनिज्म वाले जो लोग हैं, इनके जो फाउंडर हैं वो हैं ऋषभदेव, ऋषभनाथ भी कहा जाता है, ऋषभनाथ भी इनको वर्ड यूज किया जाता है, ऋषभदेव और ऋषभनाथ, क्लियर। और इनके जो 23rd हैं वो हैं पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, क्लियर। और 24th जो हैं वो कौन है जी, महावीर, वर्धमान महावीर, जो एक्चुअली वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, ठीक है। तो ये हैं, अब क्वेश्चन ये 24 तीर्थंकर हैं, क्लियर, अभी 24 तीर्थंकर महावीर, वर्धमान महावीर हैं, और इनका जो जो इनकी जो डेथ हुई थी वो पावा में हुई थी, क्लियर, पावा में हुई थी, और 72 साल की एज में राजगृह में, क्लियर, राजगृह में जो है 72 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी। जब इनको निर्वाण प्राप्ति मिली थी, जैसे बुद्ध धर्म में हम क्या कहते हैं, इनलाइटनमेंट कहा जाता है, इलाइटनमेंट, क्लियर, जाने के निर्वाण प्राप्ति। अब जहाँ पे जब इनको निर्वाण प्राप्ति मिलती है जैन धर्म में, तो उनको क्या बोला जाता है, कैवल्या, सुप्रीम नॉलेज को क्या बोला जाता है, कैवल्या, और इनको पाने वाला जैना कहलाता है, अरिहंत जिसे कहा जाता है। तो ये सारे टाइटल जो हैं वर्धमान महावीर को तभी मिले थे, महावीर जैन जो सारी चीज़ें इनको वर्ड यूज करने लग गए थे, क्लियर। तो इसके आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, और प्लस जो है जैन धर्म जो है वो वैदिक प्रिंसिपल्स को नहीं मानता, दे रिजेक्टेड द फिलोसफी ऑफ वेदास, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए जो आपके जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। जैन धर्म से एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, जैन धर्म के लिए जो लोग हैं दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, वो कौन कौन से, दिगंबर और श्वेतांबर। मैंने आपको बताया हुआ है, श्वेतांबर वाले जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, वाइट कपड़े, क्लियर, और ये जो है नॉर्थ के अंदर है, नॉर्थ इंडिया के अंदर, और साउथ इंडिया में दिगंबर वाले लोग हैं, क्लियर, जो आपके नगन रहते हैं, नेकेड, क्लियर। और श्वेतांबर के जो हेड थे वो थे स्थलभद्रा, और इनके थे भद्रबाहु,
भद्रबाहु, क्लियर, ये साउथ चले गए थे। और भद्रबाहु के साथ कौन गया था जी, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य एम्पायर के संस्थापक थे। और इन्होंने श्रवणबेलगोला के अंदर जो है श्रवणबेलगोला यहाँ पे इनकी जो है डेथ हुई थी। और इस कहाँ पे चढ़ के जो जो मतलब हिल के ऊपर बैठ के इन्होंने तपस्या करी थी, इस चंद्रगिरी हिल्स के ऊपर जो है तपस्या करी थी और इनकी डेथ हो गई थी। श्रवणबेलगोला जो है आपके चंद्रगिरी हिल, श्रवणबेलगोला कहाँ पे, कर्नाटक में, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और अगेन कर्नाटक में जो है इनकी एक मूर्त भी है, गुमतेश्वर टेम्पल, गुमतेश्वरा टेम्पल, जहाँ पे बाहु डेट इज बाहुबली, हाँ यस बाहुबली, वहाँ पे उनकी मूर्त है, डेट इज श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, क्लियर। तो आपको इतने फैक्ट सारे पता होने चाहिए। और बाकी जो है इसमें जो बुद्धिज्म लिखा है वो गौतम बुद्ध के संस्थापक हैं, सिखिज्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लगाइए, इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब चीज़ों की रेट बढ़ने लग जाते हैं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, जब चीज़ों के रेट बढ़ने लग जाएंगे तो आपके पास परचेजिंग पावर के ऊपर जब खरीदने की शक्ति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जब प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर, प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो परचेजिंग पावर क्या होने लग जाएगी, कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर डिक्रीजेस, क्लियर, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। और आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन है, वो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब जब लोगों के पास पैसे आएंगे, ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तभी चीज़ों के रेट भी बढ़ेंगे, क्लियर। और इन्फ्लेशन हमारे देश के लिए अच्छा कब तक है, दो से प्लस टू 4 ± 2%, that is 2 to 6%, this is in good for country, clear। और inflation को regulate कौन करता है जी, हमारे देश में monetary policy committee, ये देखती है, clear, that is RBI, RBI के हाथ में होता है inflation, बाकी government of India भी इसमें जो है participate करती है। तो इसका मतलब जो है option क्या बनेगा जी आपका, A, that is increase in the price over time। Next, इनमें से ozone layer, ये repeat 3-4 बार लास्ट क्लासेस से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, रीजन वाई, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और ओजोन लेयर मैंने आपको बताई है स्ट्रेटोस्फीयर में, जहां पे जेट प्लेन चलते हैं वहां पे आपकी ओजोन लेयर है जो यूवी रे से हमें बचाती है। ओजोन के लिए हमारे 6 गैसेज हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, इसका सीधा आंसर लेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डेट इज डी ऑप्शन। और इसको फ्रियॉन भी कहा जाता है, फ्रियॉन, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो प्लाज्मोडियम जीनस द्वारा होती है, क्लियर, प्लाज्मोडियम जीनस द्वारा, तो इसमें जो होती है वो है जी मलेरिया, बी ऑप्शन, मलेरिया, क्लियर। सो मलेरिया जो प्रॉब्लम है ये होती है जी आपके प्लाज्मोडियम जीनस द्वारा, क्लियर। और इसमें आपको बता दूं मलेरिया के अंदर लीवर और आरबीसी सेल जो होते हैं ये इफेक्ट होते हैं, और फिलाता कौन है जी इनको, प्लाज्मोडियम पैरासाइट और मादा मच्छर, फीमेल एनोफ्लीज जो होती है वो इस चीज़ को फैलाती है, क्लियर। और बाकी जहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है जैसे डिसेंट्री के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया वायरस की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अंदर क्या होता है जी, बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट कुछ भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल का इंटेस्टाइन जो होता है, छोटी आंत बड़ी आंत जो होती है हमारी, वो इन्फ्लेम करने लग जाती है, जिससे क्या होता है पेट में दर्द होने लग जाता है, क्लियर। चिकन पॉक्स जो होता है वो क्या कहते हैं जी, वेरिसेला जॉस्टर के कारण होता है, चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला जॉस्टर के कारण होता है, जहाँ पे स्किन के ऊपर रैशेज वगैरह बनने लग जाते हैं और लाल लाल धब्बे, जिसे हम नॉर्मल भाषा में लोग जो है माता वर्ड यूज करते हैं कि माता निकली हुई है, ठीक है, तो डैट इज कॉल्ड चिकन पॉक्स, एक्चुअली वो किसके कारण होता है, वेरिसेला जॉस्टर के कारण, वायरस के कारण, क्लियर। और उसके बाद लिखा हुआ है हर्पीस, हर्पीस क्या है जी आपका, ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण, क्लियर। ये प्रॉब्लम क्या आती है जी, यहाँ पे क्या होता है कि खास करके लिप्स के ऊपर यहाँ पे वो बिल्कुल ना गंदे गंदे निशान से बनने लग जाते हैं, और बहुत सारा वायरस के प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे सोर बनने लग जाते हैं, बिल्कुल आपकी स्किन जो होती है वो मतलब इतनी यहाँ से खराब होने लग जाती है, क्लियर, बहुत सारे ऑर्गन के ऊपर, आपका म्यूक्योजा जो होता है अंदर जो हमारे गाल होते हैं ना अंदर की साइड से, ठीक है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम, मान के आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में अल्सर, ठीक है, अल्सर जो कहते हैं हम, ठीक है, अल्सर का
एक्सट्रीम वे, क्लियर, जो छाले होते हैं ना उसका एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल तक, क्लियर, एक्सट्रीम मतलब बहुत दूर तक, इट मींस क्या है कि स्किन जो है ख़त्म ही कर देता है, क्लियर, इस तरीके का जो वायरस यहाँ पे होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, क्लियर। तो आंसर क्या बनेगा इसका, मलेरिया। नेक्स्ट, इनमें से इंडियन फूड कौन सा नहीं है, इंडियन फूड कौन सा नहीं पूछा है इन्होंने, ये तो बता दो यार, खाने पीने की चीज़ें तो बता दो, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सो देखिए जी क्या है इसमें, देखते हैं पहले लास्ट ऑप्शन से चलते हैं, इट्स पायसम, डी ऑप्शन से चलता हूँ, ठीक है, पायसम, पायसम एक्चुअली क्या होता है, ये खीर है, पायसम खीर है डी ऑप्शन में, क्लियर, ये तो हमारा इंडियन है। फिरनी, फिरनी भी क्या है, फिरनी भी एक जो पुडिंग होती है ना खीर जैसी होती है, ठीक है, ये भी एक तरह की खीर है, यानी कि सी ऑप्शन भी खीर है आपकी। और इमरती, इमरती भी हमारा इंडियन है, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी ये मिलता है, इंडिया बांग्लादेश के अंदर इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। और लास्ट रहेगा जी, इट्स तिरामिसू, तिरामिसू दैट इज ए, ए ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर, ये एक्चुअली क्या होता है, डेजर्ट है, इटली, इटली की डेजर्ट है, क्लियर, जैसे आपकी चॉकलेट वगैरह होती है ना कॉफी फ्लेवर, डेजर्ट है ये, क्लियर, तो डेट इज तिरामिसू, इट इज, इट इज ए ऑप्शन, इटली। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रिवर जो है वो पंजाब से नहीं बहती, ये तो सीधा सीधा आंसर लगा सकते हो, कौन सी, सतलज, रावी, झेलम और गंगा, गंगा रिवर जो है हमारी यहाँ से नहीं बहती। और गंगा रिवर आती कहाँ से है जी, गंगा रिवर जो है दो चीज़ों के संगम से बनती है, भागीरथी, अलकनंदा, ये दो रिवर्स आती हैं, ये मिलती कहाँ पे हैं, देवप्रयाग में, जैसी देवप्रयाग में मिलती हैं तो आगे जाके क्या बनती है, गंगा। और गंगा जो है ये सारी क्रॉस करके हुए, आपकी उत्तराखंड वगैरह के रीजन सारे क्रॉस करते, यूपी जो है आपके, बिहार, झारखंड वगैरह क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में जब जाती है तो ब्रह्मपुत्रा के साथ वो मिलती है और एट द एंड क्या बनाती है जी, आपका सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, क्लियर। और सबसे बड़ी रिवर है, 2525 किलोमीटर की रिवर है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये स्टार्ट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, तो ये आपका आंसर बन गया जी डी ऑप्शन, क्लियर। बाकी जो देख लेते हैं, सतलज, सतलज रिवर जो है ये कहाँ से आती है जी, ये आती है, ये लेक कौन सी है, रक्सथल, रक्सथल लेक से आती है, क्लियर, रक्सथल लेक से तिब्बत से स्टार्ट होती है और ये जो है ये कहाँ पे, ब्यास रिवर के साथ जो है हरि के पतन में मिलती है, हरि के पतन, ब्यास रिवर के साथ जो है ये दुआ बनाती है, ब्यास रिवर के साथ, क्लियर, हरि के पतन। रावी, रावी जो है ये कहाँ से आती है, हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, क्लियर, ये पता होना चाहिए। झेलम जो है ये पीर पंजाल से स्टार्ट होती है, वैरीनाग पास से, पीर पंजाल, वैरीनाग पास, ठीक है, तो एट द एंड ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी जो है झेलम के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, किशन गंगा प्रोजेक्ट यहाँ पे है, किशन गंगा प्रोजेक्ट, क्लियर, और यही झेलम रिवर है जहाँ पे पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी, क्लियर। और बस इतनी सी चीज़ें याद रख लो, बहुत सारी हैं, दैट इज डी ऑप्शन, क्लियर, डी ऑप्शन गंगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ये कौन सी ऐसी लाइन है जो इंडिया को डिवाइड करती है जी, हमारे इंडिया को हाफ डिवाइड करती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है, तो वो है जी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन होती है ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्लियर, और ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से निकलती है, कहाँ से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, क्लियर, तो इस तरीके से ये सारी स्टेट से निकलती है, क्लियर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, सो दीज आर द 8 स्टेट, क्लियर, तो इस तरीके से जो है 8 स्टेटों से ये निकलती है, क्लियर, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड कर देती है। उसके बाद लिखा हुआ है कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन इंडिया से दूर दूर तक नहीं है, बट आपको लोकेशन बतानी चाहिए, 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री, इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री, इसको ग्रेट सर्कल के नाम से भी आप जानते हैं, क्लियर। और उसके बाद लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो होता है वो 0 डिग्री होता है, जो लंदन से क्रॉस करती है आपकी, ग्रीनविच मीन टाइम से क्रॉस करती है लंदन से, क्लियर। और अगर पूछा जाए लैटिट्यूड्स, ये सारी जो है ना
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन और इक्वेटर, ये क्या है? लैटिट्यूड्स हैं, लेटी हुई लाइनें. अब दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर. एक डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, क्लियर. और ये प्राइम मेरिडियन जो होता है 0 डिग्री, ठीक है. ये क्या है? लॉन्गिट्यूड्स हैं, लंबी लाइनें, क्लियर. लॉन्गिट्यूड्स हैं ये प्राइम मेरिडियन, क्लियर. ये पता होना चाहिए. आंसर इज बी. नेक्स्ट, कौन सा ऐसा मुगल है जिन्होंने बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी 1526 में? पानीपत की जो है हमारी तीन लड़ाइयां हुई हैं जी, वो मैं आपको तीनों ही बता देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे. 1526 में हुई है, 1556 में हुई है और 1761 में हुई है, क्लियर. पहली बैटल में इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ लड़ाई हुई थी. और 1556 में अकबर यानी कि बैरम खान की साइड से, बैरम खान, और प्लस कौन लड़ रहा था? हेमू. 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा जो है लड़ रहे थे, क्लियर. अब यहाँ पे आपको जो है हमें पहली बैटल का पता होना चाहिए, इब्राहिम लोधी और बाबर, क्लियर. बाबर जीता क्यों था? क्योंकि ये क्या लेके आया था? गन पाउडर, ये हमारे आर्टिलरी जो है देश में लेके आया था, क्लियर. आर्टिलरी वगैरह यूज करी थी इन्होंने. और बाबर आया कहाँ से था? फरगना डिस्ट्रिक्ट, अफगानिस्तान का ये राजा था, किंग था वहाँ पे अफगानिस्तान का, क्लियर. सबसे कम एज में जो है बाबर जो है गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है, क्लियर. प्लस ये इसको बुलाया किसने था? दौलत खान लोधी ने, आलम खान ने, दौलत खान लोधी ने और आलम खान ने इसको बुलाया था इंडिया के अंदर कि आप अटैक करो इब्राहिम लोधी के साथ, क्लियर. और लोधी वंश ऐसा वंश है जो हमारे देश में दिल्ली सल्तनत का वंश है. पहले अफगान इंडिया के ऊपर रूल करने वाले लोधी एम्पायर था, क्लियर. ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर क्या बना जी? ए ऑप्शन. और आपको बता दूं, बाबर ने जो है तुजुके बाबुरी भी लिखी हुई है, तुजुके बाबुरी, अपनी आत्मकथा. और इसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने किस में कन्वर्ट कर दिया था? बाबरनामा में, क्लियर. ये पता होना चाहिए. हुमायूं के ऊपर जो है हुमायूं नामा लिखी गई है. ये किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, इनकी सिस्टर ने, गुलबदन बेगम ने, क्लियर. और उसके बाद जो है अकबर के ऊपर जो पूछा जाता है टॉम, बहुत बार पूछा जाता है. अकबर का टॉम जो है वो सिकंदरा में है, नियर आगरा, सिकंदर नियर आगरा, ठीक है. उसके बाद जो है औरंगजेब का टाइटल क्या है? आलमगीर टाइटल है और जिंदा पीर उनका टाइटल है, क्लियर. ये पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसका आंसर बनेगा जी ए. नेक्स्ट, पीकॉक थ्रोन जो है किस के एम्पायर का, किस एम्परर का जो था ये जो था, ठीक है. सो इट मीन्स ये किसका है? ये मुगल एम्परर का था जी, मुगलों का था. और ये पीकॉक थ्रोन बनवाया किसने था? जिसकी एज को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, जिसने सबसे ज़्यादा जो है आर्किटेक्चर में काम किया है. तो वो कौन है जी आपके? वो हैं आपके शाहजहां, क्लियर. तो शाहजहां ने बनवाया था. और किसने बनाया था ये? बेबदल खान ने, क्लियर. और एक अमीर खुसरो का इसके ऊपर कपलेट है जी, अमीर खुसरो का कपलेट है. उसने क्या बोला है कि अगर कोई यहाँ पे जो है स्वर्ग है तो यहीं पे है, डेट इज म्यूर सिंहासन, क्लियर. पीकॉक थ्रोन जो है वो उठा के कौन ले गया था? नादिरशाह 1739 ईस्वी में, नादिरशाह, क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द एरोसोल कैन किसने इन्वेंट किया था? इसमें एरिक से सारे ऑप्शन है, तो इसमें एक ऑप्शन है जी, बाकी कुछ लिंक नहीं करते, वो है जी एरिक रोथिम, दैट इज ए ऑप्शन. क्या बना? राइट आंसर, एरोसोल. एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल्स का होना, दैट इज कॉल्ड एरोसोल. नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर जो है सारा काम करते हैं एक्सेप्ट कौन सा काम नहीं करते? ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, यानी कि वाइसा वर्सा केस है. और एक इसमें काम करते हैं एसी के ऊपर, अल्टरनेट करंट के ऊपर काम करते हैं. तो वोल्टेज करंट की बात आ रही है हाई टू लो, लो टू हाई, और एसी करंट की बात आ रही है, बट यहाँ पे पावर की कोई भी बात नहीं आ रही, क्लियर. तो इसीलिए जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी ऑप्शन बना, क्लियर. स्टेप अप एसी पावर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. स्टेप अप एसी करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकती है, पावर का कोई लिंक नहीं है. सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा. नेक्स्ट,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट बताइए. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब कितनी उसके अंदर ताकत है, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म कितना है. अब इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है वायर्स के, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी चल रही हैं. ये अगर कोर है तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. क्लियर. और इसके जो होते हैं कितना करंट जा रहा है, तो एम्पियर पर मीटर जो है इसका क्या बनेगा, जो आई मीन टू से यूनिट बनेंगे. कितना करंट कितनी लेंथ में पास कर रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज एम्पियर पर मीटर. इट मीन्स डी ऑप्शन. नेक्स्ट, इनमें से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है, यूएनएससी. यूएनएससी जो पार्ट है वो यूएन का पार्ट है. यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945 को. और यूएनएससी को हम बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड. क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यही पीस कीपिंग नेशन वगैरह ये सारी चीज़ें बेचते हैं. यूएनएससी के कोई भी अगर मेंबर ऐड होना है तो यूएनएससी अगर हाँ कहेगी, और इसका जो बिल होता है 2/3 द्वारा पास किया जाता है, तो कोई मेंबर अगर यूएन का कोई मेंबर बनना चाहता है तो यूएनएससी बिल पास करती है 2/3 से. क्लियर. सिक्योरिटी काउंसिल सारा हाँ करती है तब जाके यूनाइटेड नेशन में बंदा बैठ सकता है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 15 लोग होते हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और जो आपके 5 क्या हैं, परमानेंट हैं. क्लियर. और 5 परमानेंट कौन से हैं, फ्रैका वर्ड मैंने आपको बताया था, फ्रांस, रशिया, अंग्रेज यानी कि इंग्लिश मतलब ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, ए फॉर अमेरिका, यूएस. क्लियर. तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर भी होती है. क्लियर. इसका मतलब यहां पे इंडिया नहीं है. इट मींस बी ऑप्शन क्या बना आपका राइट आंसर, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनएससी. नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या है. राइट टू एजुकेशन जो है आपका एक फंडामेंटल राइट है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है जी, और फंडामेंटल ड्यूटी भी है. तो इसमें जो है ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, राइट कौन सा है, तो हमारा फंडामेंटल राइट है. सो बी ऑप्शन फंडामेंटल राइट 21A है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 दिया हुआ है, और 11th हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. क्लियर. तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको पता होना चाहिए. 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ये चीजें ऐड करी गई थी. क्लियर. आंसर क्या बना, बी ऑप्शन. नेक्स्ट, इंडिया सुपर लीग जो है वो किसके साथ जो एसोसिएट करती है, वो फुटबॉल के साथ जो है एसोसिएट करती है जी. इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के साथ जो है आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो होती है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली. ठीक है, दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं ऑल इंडिया फेडरेशन. इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल. कौन है, प्रफुल्ल पटेल. और इसके साथ फुटबॉल के साथ आपको फीफा के बारे में पता होना चाहिए. फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फुटबॉल इंटरनेशनल द फेडरेशन एसोसिएशन. क्लियर. और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड. क्लियर. और इनके फीफा के जो चीफ हैं वो क्या हैं, गियानिनी इन्फेंटिनो. ठीक है, तो ये आपके जो है लिंक इससे साथ क्वेश्चन करते हैं. क्लियर. सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन. बाकी जाने से पहले दीज आर लिंक्स, आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर. बाकी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. PDF वगैरह टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाती है. थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द